नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नुपायल लैब। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर योर फैट लॉस जर्नी। इस एक्सरसाइज को अगर समझ जाओगे तो आपकी फैट लॉस जर्नी में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। तो आपको इसके प्रोसेस पे ध्यान देना है इनिशियली। अगर आप प्रोसेस को समझ जाते हो तो आप एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करता हूँ पहली एक्सरसाइज से। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, हमें पाम को जस्ट बिलो योर शोल्डर रखना है और बॉडी को इस पोस्चर में रखना है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। अगर नीचे ज़्यादा आएगा तो आपकी कमर में इंजरी आएगी और शोल्डर के बिल्कुल नीचे अगर आपकी पाम रहेगी। अगर आप बिगिनर हैं तो इनिशियली आपकी कमर ऊंची रहेगी, लेकिन अगर आप सीख चुके हैं इस एक्सरसाइज को तो आपकी कमर ऐसे रहेगी। तो शुरू करता हूँ, हम नी को लेके जाएंगे अल्टरनेट चेस्ट की तरफ। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। इसी एक्सरसाइज को हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो ये है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसको ध्यान से, इसकी प्रोसेस को समझना जरूरी है। अगर प्रोसेस समझ में नहीं आएगी तो इसका इफेक्ट नहीं ले पाओगे। सेकेंड एक्सरसाइज दिखाता हूँ मैं आपको, सेम बॉडी पोस्चर। आपको अल्टरनेट अपने शोल्डर को टच करना है और ब्रीद आउट करते रहना है, बिल्कुल स्लो। आप इसकी इंटेंसिटी कितने ही बढ़ा सकते हो, करना है इसको स्लो। अगर स्लो नहीं करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे माउंटेन क्लाइंब, सेम बॉडी पोस्चर, नी बिल्कुल सीधा, सेम चेस्ट की तरफ जाएगी। स्पीड, इसी तरीके से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितने भी कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ज़्यादा बॉडी वेट है तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा इसको करने में, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप ज़्यादा वेट आपकी बॉडी का तो इनिशियली आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेंथ, अपने शोल्डर में स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। इसकी प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बिगनर ना होके एडवांस हैं तो एडवांस करना चाहते हैं, ज़्यादा फैट लॉस करना चाहते हैं, तो मैं इसको तीनों को कंबाइन करके और बीच में एक पुशअप्स का सेट भी ऐड करूँगा। तो इसको देखना है, मैं 20-20 का सेट करूँगा आपको। अगर एडवांस कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 80 का सेट करना पड़ेगा और उसमें 20 पुशअप्स। ओके, 20 से स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी होने के बाद आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। अब अपनी बॉडी को ऐसे पोस्चर में लेना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर रिलैक्स कर सको, कम से कम 10 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड। नेक्स्ट हमें करना है अल्टरनेट शोल्डर टच। एंड अगेन रेस्ट। इस प्रोसेस में आपका स्वेट आउट होता रहेगा माथे से और आपको अच्छा भी फील होगा। नेक्स्ट करेंगे हम 20 पुशअप्स प्रॉपर पोस्चर के साथ।
आपको प्रातः टाइम ब्रीद आउट करना है और यहाँ पे रिलैक्स करना है। कभी भी आपको ऐसे पुशअप्स नहीं करने हैं कि आपके शोल्डर के पैरेलल आए, ये इंजरी प्रोन एक्सरसाइज है, इसको अवॉइड करना। नेक्स्ट थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहीं पे अपने आराम से, फिर करेंगे माउंटेन क्लाइंब लास्ट सेट। ट्वेंटी एंड रेस्ट। इसी में आप एक ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लेके 10 टाइम्स, आपको लेग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अल्टरनेट लेग। यहाँ से आपका स्वेट आउट होता रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, फैट बर्न होगा ज़्यादा ज़्यादा, लव एंड डल को इफेक्ट करेगा, कोर को स्ट्रोंग करेगा, आपके शोल्डर को इफेक्ट करेगा, आपके ट्राइसेप्स को इफेक्ट करेगा। 10 टाइम्स। मैं आपको फिर से कहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपने इस एक्सरसाइज को समझ लिया तो आपके फैट लॉस जर्नी को कोई नहीं रोक सकता, ज़्यादा ज़्यादा आप फैट लॉस कर सकते हैं। इसके साथ आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अच्छा खाना है, क्लीन खाना है, कोशिश करना जितना उसके हेल्दी खाना खाएं, प्रोटीन रिच डाइट जरूर खानी है जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन हो, बिकॉज हम पूरा दिन कार्ब्स 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 खाते रहते हैं, और फैट इंटेक जरूरी है। अगर फैट इंटेक नहीं करोगे तो बॉडी हमारी विटामिन डी नहीं लेगी जो हम सन एक्सपोजर से लेते हैं। हमें पता है जो हमारा विटामिन डी है ये फैट सोल्यूबल है, अगर फैट इंटेक नहीं करेंगे तो सनलाइट की से अपने विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आपको कोशिश करना है फैट ले, लेकिन हेल्दी फैट, गुड फैट जिसे बोलते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स, देसी घी खा सकते हो आप सब्जी में मिला के। तो दोस्तों इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसको शेव कर लेना है, और आपको इसको एक बार स्टार्ट करना है। थोड़े दिन बाद आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे कि आप इसको बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है, थैंक्स।